क्या मोदी की गारंटी में एमएसपी की गारंटी लागू नहीं होती? जो किसान आंदोलन करने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें इस तरीके से रोका जा रहा है। आज कांग्रेस को भी किसानों की याद आ गई है। बड़ा तुक्का इक्का जो है वो राहुल गांधी ने फेंक दिया है, क्योंकि राहुल गांधी को लग रहा है कि कुछ यात्राएं करके तो कुछ होने वाला शायद नहीं है, कुछ ऐसी तस्वीर तो नजर नहीं आ रही है, तो आज कहीं ना कहीं किसानों पर राजनीति कर ली जाए, सरकार जल्द से जल्द बातचीत करके इसका कोई ना कोई हल निकालती। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। एक बार फिर से किसानों का आंदोलन शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आंदोलन जो है बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जैसा 2020 से लेकर 21 तक हुआ। तब 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग थी, एमएसपी पे गारंटी की मांग थी। अब मांग कुछ इसी तरह की है और दावों को, वादों को याद दिलाने की भी कोशिश है। मोदी की गारंटी, सरकार लगातार इस शब्द का इस्तेमाल करके आगे बढ़ती जा रही है कि मोदी की गारंटी है देश को आगे बढ़ाना है, मोदी की गारंटी है हर किसी को खुशहाल रखना है। क्या मोदी की गारंटी में एमएसपी की गारंटी लागू नहीं होती? सबसे बड़ा सवाल है। राम राज्य की बात हो रही थी, क्या यही राम राज्य है? जो किसान आंदोलन करने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें इस तरीके से रोका जा रहा है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और वहां पर फायरिंग भी की जा रही है, रबर बुलेट्स की फायरिंग की जा रही है। साथ ही साथ किसानों का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्लो पॉइजन देकर हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, हम सिर्फ सरकार से बात करना चाहते हैं, हमारा और कोई मकसद है नहीं। हालांकि इसको लेकर सरकार से बातचीत हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला, जिसकी वजह से किसान एक बार फिर से शंभू बॉर्डर पहुंचे हुए हैं। हरियाणा बॉर्डर है, यहां पर इन्हें रोका गया है, बड़े बड़े बैरिकेटिंग्स लगाए गए हैं, सीमेंट के बैरिकेटिंग्स लगाए गए हैं, कीले लगा दी गई हैं ताकि किसान जो है वो आगे ना बढ़ सके, हालात 2020 जैसे ना हो पाए। लेकिन चुनावी माहौल है और चुनाव से चंद महीने पहले इस तरह के हालात, क्या हम ये कहें कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो तस्वीर की बात लगातार की जा रही थी कि ऐसी तस्वीर हो सकती है चुनाव से पहले, क्या उसका आगाज हो चुका है? क्योंकि एक तस्वीर हमने उत्तराखंड के हल्द्वानी में देखी थी जब उत्तराखंड में यूसीसी पर मुहर लगी थी, और एक तस्वीर आज हम देख रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि 2021 के बाद से जैसे तैसे किसानों को जब शांत किया गया था उसके बाद कोई ऐसी तस्वीर ना देखी गई हो, आंदोलन होते रहे हैं लेकिन छोटे छोटे आंदोलन होते रहे हैं। अब जो है बड़ी संख्या में किसान जो है वो दिल्ली पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इनके पास 6 महीने के खाने पीने का राशन है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं किसान पीछे हटने वाले तो है नहीं है। हालांकि अभी राहत की बात यह है कि एक ही बॉर्डर पर किसान जुटे हुए हैं और वहां उन्हें रोक दिया गया है, लेकिन एहतियातन सारे बॉर्डर जो है वो सील कर दिए गए हैं। अभी बड़ी जानकारी ये भी सामने आई कि राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए, इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा कहते हैं कि किसानों को सावधान रहने की जरूरत है, उपद्रवियों से सावधान रहें। हालांकि सरकार कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि किसान आंदोलन, क्योंकि पहले भी बहुत सारी बातें हुई थी कि किसान आंदोलन के आड़ में कुछ ऐसे उपद्रवी हैं जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, और एक बार फिर से इस तरह की बात कहीं ना कहीं इशारा कर रही है इसी तरफ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह निकलकर सामने आ रही है कि क्या इस पर अभी भी राजनीति होती रहेगी? जो अन्नदाता देश का पेट पाल रहे हैं, जो अन्नदाता मेहनत करते हैं, जो अन्नदाता हर घर तक अनाज पहुंचाते हैं, वो अन्नदाता क्यों ही राजनीति का शिकार होता रहता है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले तो आप, क्योंकि आपको लग रहा था कि किसान जो है इस तरीके से प्रदर्शन करते हैं तो आने वाले चुनावों में से आपको नुकसान हो सकता है, और इस तरीके से क्योंकि कोरोना काल में भी किसान नहीं हटे तो फिर आगे किसान की हिम्मत देकर आप लोग झुक गए, आपने 3 कृषि कानून वापस कर दिए, लेकिन एमएसपी की गारंटी का दावा आपने कर दिया और उसी दावे से किसान आस लगाए बैठे रहे कि अब बात करे सरकार, अब एमएसपी की गारंटी पर कुछ ना कुछ कहे, लेकिन आप तो वादा करके भूल गए। क्या हुआ गारंटी का? गारंटी की बात करते हैं तो यहां एमएसपी की गारंटी देने पर क्यों आप लोग आनाकानी कर रहे हैं? इस तरह के सवाल तमाम
किसान कर रहे हैं, लेकिन सबसे विडंबना यह है कि किसान नेता सिर्फ और सिर्फ इसी राजनीति में फंस जाते हैं। किसान नेता सिर्फ राजनीति करते रहते हैं और किसान जो है, जो सच्चा किसान है, वो यूं ही अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर दर बदर भटकता रहता है। आज कांग्रेस को भी किसानों की याद आ गई है। बड़ा तुक्का इक्का जो है वो राहुल गांधी ने फेंक दिया है, क्योंकि राहुल गांधी को लग रहा है कि कुछ यात्राएं करके तो कुछ होने वाला शायद नहीं है, कुछ ऐसी तस्वीर तो नजर नहीं आ रही है, तो आज कहीं ना कहीं किसानों पर राजनीति कर ली जाए। और राहुल गांधी ने वही किया। राहुल गांधी ने कह दिया कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो जैसा आप लोग कहेंगे एमएसपी की गारंटी हम देने के लिए तैयार है, स्वामीनाथन की तर्ज पर। इसके बाद सियासी गलियारों में माहौल कुछ और नजर आया। देखिए, मोदी सरकार ने हाल ही में किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। एक तरफ किसान खुश थे, किसान मिठाइयां बांट रहे थे और किसानों को लग रहा था कि शायद बड़ा फैसला यह है एमएसपी गारंटी को लेकर, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन उन्हें कौन समझाया कि सब राजनीति के तहत किया गया। सरकार का यह दाव पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि किसान यूनियनों ने मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिया। नवंबर 2021 की बात है जब किसानों ने आंदोलन खत्म कर दिया था, लेकिन दो साल बाद फिर वही अन्नदाता सड़कों पर है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ है। किसान यूनियनों ने दिल्ली चलो का नारा दिया है। मंगलवार को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के दिल्ली की ओर कूच करने की तस्वीर देखी है। तस्वीर भयावह थी। जवान, देश का और किसान जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आमने सामने। वहीं संयुक्त मोर्चा किसान ने 16 फरवरी को एक दिन के लिए ग्रामीण भारत बंद का आह्वान भी किया हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर दिल्ली कूच क्यों कर रहे हैं किसान? देखिए, पहली बार तो है नहीं जब किसान आंदोलन कर रहे हो। दो साल पहले दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था, तब मोदी सरकार को किसानों के आगे आखिरकार घुटने टेकने पड़े थे। संसद से पारित 3 कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ा था। किसानों का डर था कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म कर सकते हैं और खेती किसानी कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथों में सौंप दी जा सकती है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। किसान करीब एक साल तक लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। किसानों का दावा है कि इस आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। हालांकि सरकार और गैर सरकारी सतह पर इन दावों को अहमियत नहीं मिलती है। दो साल पहले सरकार ने न सिर्फ कानूनों को रद्द कर दिया बल्कि एमएसपी पर गारंटी का वादा भी किया था, लेकिन शायद मोदी की गारंटी में एमएसपी की गारंटी कहीं ना कहीं काफी दूर रह गई और यही वजह है कि दो साल बाद फिर से वही तस्वीर देखी जा रही है। इसके बाद किसानों ने आंदोलन वापस ले लिया था, लेकिन अब किसानों का कहना है कि सरकार ने एमएसपी को लेकर अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। किसानों की मांग क्या है? 2021 के आंदोलन की तरह ही इस बार भी अपनी कई मांगों के लिए किसान विरोध प्रदर्शन के लिए उतर रहे हैं, खासतौर से एमएसपी की गारंटी को लेकर, कानून बनाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाना उनकी सबसे बड़ी मांग है। इसी मांग को लेकर पहले ही हल्ला था, इस मांग को लेकर आज भी हल्ला था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो टर्निंग पॉइंट उस दौरान आया था, जिसका नाम था राकेश टिकैत, वो अभी तक क्या दूर खड़े हुए ये देख रहे हैं कि आखिर ये आंदोलन इस तरह का रहता है, किसान पीछे हटते हैं, या फिर ये ठान कर आए कि आगे बढ़ना है और तब जाकर हम आग में घी डालने का काम करेंगे? ये तस्वीर कहीं ना कहीं कही जा सकती है। दूर खड़े राकेश टिकैत देख रहे हैं कि कब हो हल्ला और ज्यादा हो और हम भी जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार दें। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि वो केंद्र सरकार को सिर्फ उनके दो साल पहले किए गए वादों को याद दिलाना चाहते हैं, जो किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील करते हुए सरकार ने किए थे। वो वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। सरकार ने एमएसपी पर गारंटी का वादा किया था, किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की बात कही थी। 2021 में लखीमपुर खीरी में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे 4 सिख किसानों को कथित तौर पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की गाड़ी ने कुचल दिया था। किसान सरकार से उस घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को नौकरी और दोषियों को सजा दिलाने की मांग लगातार कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि सरकार ने सबसे बड़ा वादा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक किसानों को फसल के दाम देने का किया था।
सरकार ने एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया, लेकिन उनकी रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही है, ये कहां का न्याय है। इसके अलावा किसानों को प्रदूषण कानून से मुक्त रखने का वादा किया था, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है। बता दूं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में किसानों को उनकी फसल की लागत से 1.5 गुना कीमत देने की सिफारिश की गई है। तो वैसे में क्या ये कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति यहाँ की गई है, भारत रत्न देकर किसानों के हित में नहीं सोचा गया। दिल्ली कूच कर रहे किसानों ने कई गंभीर आरोप लगाए। मजदूर मोर्चा के प्रदर्शनकारी किसान ने कहा कि किसानों का ट्रैक्टर मार्च शुरू हुआ, हजारों किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं, रास्ते में कोई ट्रैफिक जाम नहीं किया गया, पूरे अनुशासन के साथ दिल्ली कूच किया जा रहा है। एमएसपी एक अहम मुद्दा है, सरकार ने बॉर्डर सील कर दिए हैं, लगातार धरपकड़ की जा रही है, हमारी बात सुनी नहीं जा रही। मजदूर इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, बैरिकेडिंग तोड़ने का हमें पूरा तजुर्बा है, सरकार रोक रही है, जनता को परेशान कर रही है। प्रदर्शनकारी किसानों का आरोप है कि दिल्ली कूच में शामिल होने आ रहे कर्नाटक के किसानों को भोपाल में ट्रेन रोककर गिरफ्तार किया गया, उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया, इस कारण एक किसान के सिर पर गंभीर चोट भी आई है। तो इस तरह के आरोप यहां पर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि किसान लगा रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर कैसे कैसे इंतजाम किए गए हैं। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट देखी गई। मार्च को रोकने के मकसद से सिंगू और गाजीपुर सहित सारी सीमाओं को सील कर दिया गया है। अंबाला के पास शम्भू में पंजाब से लगी सीमा सील कर दी गई है। विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सभी सीमावर्ती रास्तों पर पुलिस और केंद्रीय बलों की टुकड़ियां तैनात की गई। करीब 5,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, जबकि कचीरे और नुकीले तार लगाकर किसानों का रास्ता रोकने की पूरी तैयारी की गई है। सीसीटीवी और लाउडस्पीकर भी लगाए गए हैं, ड्रोन से आंसू गैस। आज ऐसी स्थिति तो कहीं ना कहीं एक युद्ध के तौर पर देखी जाती है, जैसी शम्भू बॉर्डर पर आज देखी गई। दिल्ली हरियाणा की सीमा पर 8 लेयर की दीवारें खड़ी की गई हैं। कुछ सड़कों पर पत्थर के बड़े बड़े बैरिकेड्स और लोहे के कंटेनर लगा दिए गए हैं। किसानों की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पानी की बौछार करने के भी इंतजाम पूरी तरह से किए गए थे, और आज वो तस्वीर देखी भी गई। सोशल मीडिया की हर गतिविधि को मॉनिटर किया जा रहा है, कानून उल्लंघन करने वाले गिरफ्तार किए जाएंगे, इस तरह की बात भी लगातार की जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि दिल्ली में ट्रैक्टरों के प्रवेश पर प्रतिबंध कर दिया गया है। बंदूक, ज्वलनशील पदार्थ, ईंट पत्थर जैसे अस्थायी हथियार रखने पर प्रतिबंध है। पेट्रोल और सोडा की बोतल इकट्ठे करने पर भी रोक। इसके अलावा अगले 1 महीने तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर मनाही होगी। राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी तरह भी भीड़ जुटने पर पाबंदी है। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों की तुरंत गिरफ्तारी का आदेश है। किसी को भी कानून का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है। तो इस तरह के हालात फिलहाल बनाए गए हैं, कुछ एडवाइजरी भी जारी की गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वही सवाल है कि अपनी राजनीति में क्यों किसानों को झोंकने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, आम लोगों को भी परेशानी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। अब किसानों के दिल्ली मार्च पर पूरी तरह से राजनीति शुरू हो चुकी है। दिल्ली कूच के आह्वान पर किसानों को विपक्ष का साथ मिल रहा है। विपक्ष सरकार पर अन्नदाता को रोकने का आरोप लगा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर किसानों को ठगने का आरोप भी लगा रही है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि राहुल गांधी ने कह दिया है कि अब जो है अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाती है तो हम एमएसपी को पूरी तरह से लागू कर देंगे। वहीं किसानों के दिल्ली कूच पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य के लोगों की सुरक्षा करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ भी करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत से बड़े बड़े मुद्दे हल हो जाते हैं, ये भी हल हो जाएगा। अब ये बातचीत कब होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर बातचीत कब होगी, क्योंकि बातचीत का सहारा तो बार बार लिया जा रहा है, लेकिन बातचीत के जरिए हल होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कब किसान और सरकार के बीच बात होगी, क्योंकि पहले भी कितने दौर की बात हुई थी तब जाकर सरकार बैकफुट पर आई थी, और अभी तो फिलहाल चुनावी साल है, तब तो ऐसे कोई हालात भी नहीं थे। आम चुनाव है, अब सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि आम चुनाव से पहले इस तरह का माहौल देखा जाए जिससे आने वाले समय में सरकार को नुकसान हो सके। किसानों की बहुत सारी डिमांड है जिसके लिए आंदोलन हो रहा है, लेकिन किसान अपनी जगह ठीक है, सरकार अब किसानों से क्या बातचीत करती है ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पर राजनीति भी करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये है, राम राज्य की आप बात करते हैं,
अब सवाल ये है कि आप मोदी की गारंटी की बात करते हैं तो अन्नदाता कहाँ जाता है? क्या वो राम राज्य में नहीं आता? क्या वो मोदी की गारंटी की पूरे अगर देखा जाए तो मोदी की गारंटी में नहीं आता है, या फिर एमएसपी की गारंटी मोदी की गारंटी से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, इसी वजह से सरकार एमएसपी की गारंटी किसानों के लिए लागू नहीं कर रही है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि किसानों का जो आंदोलन है क्या हमें एक बार फिर से 2020 से 21 की याद दिलाता है, या फिर सरकार जल्द से जल्द बातचीत करके इसका कोई ना कोई हल निकालती है। एट 9 में इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।